हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोहड़ा की सब्जी, जिसके लिए मैंने कोहड़ा को छील लिया है अच्छे से, इसके बीज भी निकाल दिया। इसे बहुत जगह में कद्दू भी बोलते हैं, देख सकते हैं हमारे यहाँ इसे कोहड़ा बोलते हैं। जिसके लिए मैंने ये कोहड़ा को इसे काट लिया है, इसका बीज से निकाल देते हैं बीज ये सब, और छिलका भी हटा दिया। इसे कटिंग करके वॉश कर लिया अच्छे से। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है इसके लिए, एक छोटी चम्मच हल्दी ली है मैंने, और ये हाफ टेबल स्पून नमक लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये थोड़ी सी हींग लिया है मैंने, ये हींग है, और ये हरी मिर्च 3 से 4 मैंने कटिंग कर लिया है अच्छे से, 7 लहसुन की कलियां हैं, और ये 5 फोरन है, आप देख सकते हैं। चलिए इसे बनाने के लिए शुरू करते हैं। आज मैं बिना मसाले वाली बना रही हूँ, फ़ौरन डाल के। मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, अभी ये गर्म हो रही है, अब देख सकते हैं कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। इसमें अब मैं ऑयल डाल रही हूँ, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं 5 फोरन डालूँगी, लहसुन मिर्च ये सारे डाल देती हूँ। अब देख सकते हैं ये जल चुका है, इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी, 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया था। अब हल्दी इसमें 1 छोटी चम्मच मैंने लिया था, उसे भी मैंने डाल दिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसके बाद इसमें मैं कोहड़ा को डाल दे रही हूँ, जो मैंने काट के रखा है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके चला लूँगी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई करके देखिए इस तरीके से। अब इसमें टमाटर को भी ऐड करके इसमें डाल के मैं ढक दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में, नहीं तो ये जल जाएगी। अब देख सकते हैं मैंने ढक्कन हटा दिया है, अब इसे अच्छे से आप चला लें। अभी ये नहीं पकी है अच्छे से, अभी और थोड़ा टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं इसे मैंने फिर से थोड़ा देख के ढक किया दिया था। अब इसे आप थोड़े थोड़े हल्के हल्के हाथों से मैश कर दें चमटी की मदद से। आप देख सकते हैं हमारा सब्जी बनके रेडी हो चुका है। आप एक बार इस तरह से बना के ज़रूर देखें, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होती है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने प्लेट में निकाल दिया है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।